आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कच्ची हल्दी की सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। शॉर्ट्स में मैंने शॉर्टकट में शेयर कर रखा है, रोटियाँ मैंने पहले ही बना के रख दिए हैं, तो अगर आप शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है, क्योंकि मैं लॉन्ग में क्या होता है ना कि एक एक चीज़ समझाती हूँ बारीकी से, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम शॉर्ट्स में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे से वीडियोज़ रहते हैं, तो इसी वजह से मैं लॉन्ग भी अपलोड करती हूँ। तो जिसे डिटेल में देखना हो वो लॉन्ग देख सकते हैं हमारे सारे, और जिन्हें शॉर्टकट में समझना है वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि सभी हल्दियों को छील करके तैयार कर लेना है, और इसके बाद डीजे आएंगे तो सारे के सारे हल्दियों को फटाफट से कद्दूकस कर देंगे। और मम्मी उधर पीछे पापा को नाश्ता दे रही हैं रोटियां, क्योंकि पापा रोटी नहीं खाते हैं तो इस वजह से। और इसके साथ मैं फटाफट अब सब्जी बनाऊंगी। पापा सुबह सुबह सब्जी नहीं खाते हैं, वो दोपहर में ही खाते हैं। तो यहाँ मैंने करीब करीब छील लिए हैं हल्दी, अब डीजे आएंगे और वो सभी को कद्दूकस करेंगे। तो बस डीजे लग गए अपने काम पे, कद्दूकस करना ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है भाई, मेरे से तो कद्दूकस हो ही नहीं पाता। कौन कौन ऐसे आलस करता है किसी भी चीज़ को कद्दूकस करने में, और कनिका मेरी गोद में है वॉइस ओवर करते वक्त जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ। तो यहाँ डीजे ने करीब करीब कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ 200 से 250 ग्राम के करीब हमें घी ले लेना है, गर्म कढ़ाई में बिल्कुल घी को गर्म करना है, उसमें जीरा का फोरन दे करके और सभी हल्दी को डाल करके फ्राई करना है। और बहुत लोग के शॉर्ट्स पे कमेंट आए हैं कि बहुत ज़्यादा घी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा घी हम सब्जी के साथ नहीं खा जाते हैं, उसका मैं क्या करती हूँ वो मैं आखिरी में बताऊँगी। और इसमें काजू भी पड़ते हैं बहुत सारे। तो कुछ इस तरह से डीजे फ्राई कर रहे हैं, और मैंने यहाँ काटे हैं 2 टमाटर, बड़े बड़े टमाटर काटे हैं, और इन सभी को डाल दूंगी उस फ्राई किए हुए हल्दी में। और करीब 5 मिनट हो चुके हैं हल्दी को फ्राई करते हुए। और इसके साथ मैंने एक कटोरी दही में ना 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल करके इस तरह से मिक्स कर दिया है। और हल्दी तो ऑलरेडी ये कच्ची हल्दी है, इसमें हल्दी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस मसाला को बना के रख लिया है, और उसमें डाल रही हूँ मैं अभी नमक, ये मैं सब्जी में डाल रही हूँ हल्दी में। और इधर तब तक मैं बर्तन धो लूँगी फटाफट, ताकि मेरे पीले हाथ जो हुए ना थोड़े से साफ़ हो जाए। लेकिन तब तक मैं अनमोल आ गया कि मुझे नाश्ता दे दो, तो उसे हम 1 रोटी दे रहे हैं, उसमें हल्का सा सरसों का तेल और नमक घस करके, क्योंकि वो हल्दी की सब्जी तो नहीं खाएगा, बहुत कम खिलाएंगे उसे हम, और बिल्कुल ऊपर से ऐसे ही पीस पीस लेके खिलाएंगे क्योंकि घी की बनती है सब्जी। तो छोटे बच्चों को घी शायद नहीं देना होता है, मम्मी लोग मना करते हैं घी देने से, तो इसी वजह से उसको बस ऐसे हमने रोटी दे दिया, वो खाएगा। और तब तक इधर सब्जी बन रही है। और इसके बाद जो मैंने ये मसाला तैयार किया ना दही में, ये सब उसमें डालकर फ्राई करूँगी, और बहुत सारे काजू डाल दूँगी मैं इसमें सब्जी में। अब अपने हिसाब से काजू कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक और बनती है सेम ऐसे ही लेकिन हरी सब्जी डालकर, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। सब्जी तैयार है, और इसमें जो एक्सेस घी है ना इसको हम निकाल करके कलछुल से क्या करते हैं रोटियों में लगा देते हैं। कनिका भी सो गई। इस सब्जी को आप 4-5 दिन स्टोर करके रख के भी खा सकते हैं, और इसमें से जो घी निकाल लिया ना आपने कलछुल से अलग, उसे किसी और सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2-4 दिन तक आप रोटियों